क्लास सिक्स। आज हम बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ विंडो 10। यूटिलिटी आपका विंडो 10 का, देखो हमने डेस्कटॉप क्रिएट किया था, हमने इसके टास्क व्यू का यूज़ किया था, इसमें ये कुछ अनदर फीचर भी दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, अपना किसी भी सीडी या डीवीडी में कॉपी कर सकते हो डेटा को, या आपके सिस्टम से सीडी में कॉपी कर सकते हो। जब आप डेटा कॉपी करते हो सीडी टू अ सिस्टम, वो कहलाती है रिपिंग। वो आपका क्या कहलाता है? रिपिंग प्रोसेस कहलाती है वो आपकी, ठीक है। और जब आप सिस्टम से एक सीडी में कॉपी करते हैं तो वो कहलाती है आपकी बर्निंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे हमारा कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप का देखिए, सबसे पहले व्यू बाय का ऑप्शन होता है, इसकी हेल्प से आप अपनी व्यूज चेंज कर सकते हो। लार्ज आइकन, देखिए कैटेगरीज, आप इस तरीके से इसका व्यू लुक चेंज कर सकते हो। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आपके सिलेबस में जो दिया गया है, या आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, देखिए सबसे पहले अगर आपको अपने सिस्टम के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आपके सिस्टम की कितनी रैम है, तो आप यहाँ से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ उसके बाद सिस्टम पे क्लिक कर देना है, और यहाँ आपके बारे पास पूरी की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको जो है अपना नेट कनेक्टिविटी करनी है, तो उस टाइम पे नेट या वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अब आ जाते हैं हार्डवेयर एंड साउंड, जिसका मेनली अभी आपके सिलेबस की भी रिक्वायरमेंट है और आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है यूजुअली भी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आपको अपना आपका माउस स्लो वर्क कर रहा है, आपके माउस में कोई चेंजेस करने हैं, या आप लेफ्ट हैंडी हो, तो अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए। ये देखिए वर्किंग चेंज हो गई है। उसके बाद है अगर आपको, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देंगे। इसको यहाँ देखिए, यहाँ से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पॉइंटर, यहाँ से आप अपने माउस पॉइंटर की शेप चेंज कर सकते हैं, जो भी शेप चेंज करना चाहिए, या तो आप और एक्स्ट्रा करने हैं तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको अलग अलग शेप्स मिल जाएगी, उनको सिलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। और आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, अप्लाई पे करना है और ओके कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने माउस की जो है शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप उसके बाद बात करते हैं हम अपना अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। यहाँ से आप अपना थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप कोई भी थीम चेंज करनी है आपको, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो पर्सनलाइजेशन पे आके, ठीक है। साउंड इफेक्ट डालना है, कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है,
आपका टास्क और टास्क बार और नेविगेशन में कोई भी चेंज जो सबको कर रहे हैं, उस टास्क बार को अप लेके जाना है या बॉटम में रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजंस। यहाँ से आप अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका, फिर यहाँ पे करना है, यहाँ से आप अपना डेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से टाइम, और उसके बाद आपको जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है और आपका जो भी चेंजमेंट होगा वो आपको शो होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपका ईज ऑफ एक्सेस आता है। ईज ऑफ एक्सेस का यूज जब करते हैं, जब कभी हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करना होता है, तब आप इस ऑप्शन का यूज करते हो। ठीक है, अगर आपका कोई इस बारे में जानना होता है कि आपका कीबोर्ड किस तरीके से वर्क करे, उसमें कोई चेंजेस करने होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।